तो क्या आप जानते हो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग पिछले साल भारत में 6.33 करोड़ यानी 63.3 मिलियन पॉइंट थी MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जिसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अब अगर आप भी अपने एमएसएमई को रजिस्टर करना चाहते हो लीगल बनाना चाहते हो तो देखिए ये पूरा वीडियो एंड तक गाइस वेलकम टू सिया वाइब्स योर परफेक्ट प्लेस फॉर करियर बिजनेस एंड पर्सनल फाइनेंस तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमएसएमई क्या होता है आप उसको कैसे रजिस्टर कर सकते हो क्या फायदे हैं और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या चीज है तो so, जैसा मैंने आपको बताया भारत में पिछले साल 6.33 करोड़ यानी 63.3 मिलियन एमएसएमईज थी इसमें से 6.3 करोड़ सिर्फ माइक्रो इंडस्ट्रीज थी यानी सूक्ष्म व्यापार तो इससे हमें पता चलता है इंडिया में कितने सारे स्मॉल बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए और अब जब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आ गया है तो आपके लिए ये काम हो जाएगा और भी ज्यादा आसान उद्यम रजिस्ट्रेशन में बात करने से पहले मैं आपको बताती हूँ क्या है नई डेफिनेशन एम की माइक्रो एंटरप्राइज या सूक्ष्म उद्योग वो होता है जिसकी इन्वेस्टमेंट एक करोड़ से नीचे की हो और उसका सालाना टर्न ओवर, मतलब जितने की उसने, उसने बिजनेस किया है वो पांच करोड़ से नीचे का हो वैसे ही स्मॉल एंटरप्राइज़ या आपका लघु उद्योग उसकी लिमिट होती है दस करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और पचास करोड़ तक का टर्नओवर और मध्यम उद्योग यानी मीडियम एंटरप्राइज के लिए पचास करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और ढाई सौ करोड़ तक का टर्नओवर है लिमिट तो क्यों करना चाहिए आपको रजिस्टर क्या फायदा है तो देखो सरकार को तो साफ फायदा है उनके पास रहेंगे आपके रिकॉर्ड्स उनके लिए ट्रैक करना बहुत ही आसान रहेगा भारत में कितने बिजनेस हो रहे हैं किस तरीके के हो रहे हैं किस लेवल के हो रहे हैं और सब कुछ ऑनलाइन होने से टैक्सेशन भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी लेकिन इसमें आपके लिए भी कई फायदे है जैसे कि अगर आप काम करना चाहते हो सरकार के साथ कोई ऐसी सर्विसेस आप प्रोवाइड करते हो जिनके लिए टेंडर निकलते हैं तो आपको टेंडर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आपको काफी आसानी से मिल सकते हैं अगर आप एक रजिस्टर्ड एमएसएमई हो उसके अलावा अगर आपके बिजनेस को चाहिए पैसा बैंक से लोन तो बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको लोन मिलना हो जाएगा और भी आसान वो भी काफी कम दर पे और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेज या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए ना वो मिलना भी और आसान हो जाएगा उसके साथ-साथ एमएसएमई साथ को मिलती है कुछ टैक्स या टैरिफ्स पे सब्सिडीज भी मतलब आपको टैक्सेस पे मिलेगा कुछ रिलैक्सेशन भी और क्योंकि एमएसएमई एक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है ना इससे आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अगर आप चाहते हो कि कोई इन्वेस्टर आके आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है उसके अलावा अगर आप अपनी कंपनी के लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर भी आपको कुछ सब्सिडीज या डिस्काउंट मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से और क्या चीजें खरीद रहे हो अब बात करते हैं हाउ टू रजिस्टर तो एक जुलाई से गवर्नमेंट ने सिस्टम निकाला है उद्यम रजिस्ट्रेशन का जिसके अंडर आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन बिना किसी डॉक्यूमेंट के बिना किसी पेपर्स के बिल्कुल फ्री में सिर्फ आपकी डिक्लेरेशन के साथ आप अपने व्यापार को एज एमएसएमई रजिस्टर कर सकते हो तो ये चीज हो गई ये बिल्कुल तो ये चीज हो गई बिल्कुल ही आसान जहां इतने सारी रजिस्ट्रेशनस इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है आपके लिए एज एमएसएमई रजिस्टर करना अब बहुत ज्यादा हो गया आसान अब अगर आप ऑलरेडी एमएसएमई रजिस्टर्ड हो तो आपको दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा 31 मार्च 2021 से पहले पहले अगले फाइनेंशियल ईयर से ना हर एक एमएसएमई के लिए पैन कार्ड और जीएसटी नंबर होगा बिल्कुल कंपलसरी तो 1 अप्रैल 2021 से आपके लिए ये दोनों ही चीजें कंपल्सरी हो जाएगी तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे भी हम एक और वीडियो लेकर अगले हफ्ते जरूर आएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अब मैं एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ मेरे पास कुछ ई आए जहाँ लोगों ने पूछा की मैं एज अ कंपनी रजिस्टर करूँ या एम एस उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है यानी एम रजिस्ट्रेशन जो है वो एक अलग सर्टिफिकेशन है मतलब ये सिर्फ आपको स्टेट कर रहा है कि आपका एक बिजनेस है जो इस पर्टिकुलर टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में फॉल होता है इसका कंपनी टाइप से कोई लेना देना नहीं है आप प्राइवेट लिमिटेड होकर भी एम की तरह रजिस्टर कर सकते हो और आप एक सोल प्रोपराइटर होकर भी एम की तरह रजिस्टर कर सकते हो तो अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन पे अभी तक वीडियो नहीं देखा आप ये टाइप्स ऑफ कंपनी जरूर देखना और कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी जरूर देखना ये दोनों ही वीडियो आपको काफी हेल्प करेंगे ये चूज करने के लिए आपके लिए कौन से टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल बेस्ट तो उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले जाना है इस वेबसाइट पे जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट मैं लिंक दे दूंगी, में भी. इस पे जाके आपको क्लिक करना है, अगर आपने पहले से कोई की करना है तो जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड है उस पर चला जाएगा आपका ओटीपी नेक्स्ट स्टेप जो है ना इसमें आपसे पूछेंगे आपका किस टाइप का बिजनेस है मतलब एल एल पी है प्राइवेट लिमिटेड है सोल प्रोपराइटरशिप है किस टाइप का बिजनेस है और उसका पैन कार्ड तो ये डिटेल्स आपको सबमिट करनी है उसके बाद आपको कंपनी की बाकी डिटेल्स जैसे एड्रेस और ये सब सबमिट करना है और साथ ही उस कंपनी से लिंक्ड आपकी बैंक डिटेल्स सबमिट करनी है और साथ ही साथ वो कंपनी किस इंडस्ट्री में फॉल करती है किस टाइप की है ये सब डिटेल्स जो भी वहां पे पूछी जाएंगी वो आपको फॉर्म में सिंपली भर देनी है उसके बाद ऑब्वियसली आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स भी डालनी होगी क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग होगी आपकी जो एंटरप्राइज है वो क्लासिफाई एज माइक्रो स्मॉल और मीडियम और आपको ओ जनरेट करना होगा जैसे ही आपके फोन में आ जाएगा ओटीपी आप उसको डाल के सबमिट कर दीजिए सो so, जैसे ही गवर्नमेंट विल वेरीफाई ऑल द इन्फॉर्मेशन सब बिल्कुल सही हुआ तो आपका ई रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपके ई मेल पे तो इतना ही है इसमें आपको किसी लॉयर सी सी किसी की भी जरूरत नहीं है आप आराम से खुद से ये पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम नेक्स्ट वीक लेकर आ रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे भी एक वीडियो